जैसे मम्मी आपको बताती है क्या, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत करो वो मत करो, वैसे माँ बेटी का जो रिश्ता है ना, वैसा मुझे लगा। ऑपरेशन नहीं होने वाला था, वो लोग ने जैसा जैसा मेरे को फॉलो करने को बोला वो हिसाब से फॉलो किया, तो मेरा आँख का ऑपरेशन वो हिसाब से हो गया। मेरा मतलब है कि गोपी आप करके तुम देखो, पैसा तो बचता है लेकिन वो ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज करना अच्छा लगता है। थैंक यू गोपी। भारत में लाखों लोग डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये बीमारियां न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर असर डालती हैं, बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी भारी आर्थिक बोझ हैं। सही सेहत के लिए सिर्फ दवाइयां काफी नहीं है, बल्कि जीवन शैली बदलना भी जरूरी है। गोकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में प्रमुख रहकर लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है और इन जीवन शैली से होने वाली बीमारियों से राहत दिला रहा है। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता को समझते हुए गोकी ने एक नए तरीके को अपनाया और इन जीवन शैली संबंधित बीमारियों को अच्छे से संभालने के लिए जरूरी साधन और समर्थन देने की पहल की। गोकी ने बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC से संपर्क किया और अपने इस मॉडल को आपला दवाखाना में टेस्ट किया। ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए गोकी ने मरीजों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान और सरल बनाया और साथ ही हिंदी और मराठी ऐप भी लॉन्च किया। इसके अलावा कोचेस ने हर मरीज की खास जरूरतों और साधनों को ध्यान में रखते हुए पर्सनल डाइट प्लान और जीवन शैली के सुझाव भी दिए। चेंबूर में लाल डोंगर आपला दवाखाना क्लिनिक में BMC की मदद से एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया। टीम ने मरीजों को रजिस्ट्रेशन करके उन्हें ऐप का इस्तेमाल करना सिखाया। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बेहतरीन नतीजे सामने आए। तसं म्हटलं तर जेव्हा मला कळालं डायबिटीज झालं, मी ऍक्च्युली शॉक झालो की आपल्याला हे लाईफ टाईम वाले काहीतरी आजार झाला म्हणून, कारण लोकांचं ऐकत होतं मी की तेव्हाच एक विश्वास म्हणजे एक होता माझ्या मनात की मी डायबिटीजची गोळी नाही खाणार, भले त्याच्यासाठी जे करता येईल ते करेन मी। की बाहेर गोकी ॲपचे बसलेले आहेत ते तुम्हाला मार्गदर्शन करतील म्हणून यांच्याकडे बसले। त्यांनी माझं वजन चेक केलं आणि मग मला त्यांनी गोकी ॲपबद्दल सांगितलं आणि पूर्ण डाएट कसा करायचा किंवा माझी हेल्थ कशी सांभाळायची ते सांगितलं। शुरुआती सफलता के बाद इस कार्यक्रम को चेंबूर के 5 और क्लिनिक में बढ़ाया गया, जिससे और भी मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। कॉन्टैक्ट में लिया और उनका ऐप लोड किया। लोड करने से मैंने जो जो फॉलो करने के लिए बोलते गए एक एक में फॉलो करते गया और हमको बहुत अच्छा लगने लगा। त्यांनी फास्टिंग म्हणजे सकाळी उठल्यास मेथी दाणे भिजून, तुमचा चालण्याचा रनिंग किती, खाने में सुबह में चावल ले रहे तो रात में चावल रोटी नहीं लेना चाहिए साथ में, तो लंच का भी मैं फोटो निकाल के ऐप में कोच के पास सेंड करता था। लेकिन अब मैडम जी ने समझाया भी, हमारे कोच मिस योगिता जी हैं, मतलब ये ऐसा कीजिए तो इससे काम होएगा। जे आता काय थोडं बदल झालंय ते मी सगळं बरोबर करतो। कॉन्फिडन्स वाढला, स्ट्रेंथ वाढली आणि थोडं एनर्जी लेवल पण थोडंसं वाढलं, तर शुगर थोडी कमी आली तशी। कोच और मरीजों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और देखभाल पर आधारित है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको फोन करके पूछो, बोले वॉइस SMS कभी कर देती, कभी मैसेज में बताती, मैं इतना खाई इतना पी ऐसे सब, मतलब क्या क्या खाई सब यही बताती थी। वैसा अपना परिवार जैसा बात करता है, बताता है हमको, हमारे ऊपर इतना ध्यान देता है। जैसे मम्मी आपको बताती है क्या, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत करो वो मत करो, वैसे माँ बेटी का जो रिश्ता है ना, वैसा मुझे लगा। आणि मी ते फॉलो करायला लागली आणि मी घरी येऊन मिस्टरांना सांगितलं आणि मी म्हटलं तुम्ही पण जा म्हणून। गोकी ॲपमुळे माझा तासदुखी पण कमी झाली आणि शुगर लेवल पण असं नॉर्मल आहे। एकदम तकलीफ नाही, चलने में नहीं, फिरने में नहीं, कुछ नहीं। मम्मीला तर खूपच फायदा झाला त्याचा। पहिली गोष्ट म्हणजे
आणि प्लस वरतून तिच्यामुळे मला पण समजलं, समजा आता मी आता माझं 31 चालू आहे, उद्या मी सुद्धा तिच्या वयाची होईल, त्याच्यामधून मी पण शिकले की पुढे आपण जर काय खात पित असू आणि त्याच्यावरती पण कसं नियंत्रण ठेवावं किंवा किती प्रमाणात किती खावं हे मला शिकायला मिळतं. इस नए तरीके से न सिर्फ सेहत में सुधार हुआ बल्कि मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल की लागत भी कम हो गई, जिससे उनके मासिक खर्चों में अच्छी बचत हुई. पैसा तो बचता है लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल यूज करना अच्छा लगता है. आता तो तेल तो गेल्या महिन्यात ह्या महिन्याला पण यूज करू शकते. साखर पहिले किती 5-6 किलो होती, ती आता 2 किलो आली, ती पण मला वाटतं आता 1 किलो होईल. के और प्राइवेट में जाते तो डॉक्टर की जो फीस है जो तो लेते ही हैं, बाकी का दवा तो फिर लेना ही पड़ता है. अभी ये सब तो कुछ भी नहीं है, सब फ्री में हो गए गो की वजह से. कोच और मरीजों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और देखभाल पर आधारित है और यही इस मॉडल की सफलता की कुंजी है. हमारा लक्ष्य इस मॉडल को पूरे मुंबई और भारत में फैलाना है. अगर पायलट प्रोग्राम में बचत हुई है तो सोचिए कि इसका समाज और देश पर कितना बड़ा असर होगा. सरकारी और स्वास्थ्य एजेंसियों की मदद से हम इस सपने को सच बना सकते हैं. तकलीफ में था, आंख का ऑपरेशन नहीं होता था. जब से फिर मैंने गोपी ऐप देखने का चालू किया और उससे मेरे को ऑपरेशन नहीं होने वाला था, वो लोग ने जैसा जैसा मेरे को फॉलो करने को बोला वो हिसाब से फॉलो किया, तो मेरा आँख का ऑपरेशन वो हिसाब से हो गया. मेरा मतलब है कि गोपी ऐप करके तुम देखो, उसका फॉलो करो, उसके लिए तुम भी उससे मुक्त हो जाएंगे डायबिटीज से. चलिए मिलकर एक स्वस्थ भारत बनाते हैं. गो की, बी द फोर्स. Thank you, Gokie.